उधर चला गया वो सामने खड़ा बीच में अंदर की तरफ ना। अरे उधर से भी लाइट आ रही ना, उसके पीछे भी गाड़ी है। वो परेशान है भाई, वो परेशान हो रहा है। वो लेके आ रहा कुछ पूछ के पूछ। चल गया ना ना पूछ। मारने के लिए साथ लगाओ। वो क्या हुआ? अरे भाग जाओ, भाग के अंदर इधर आओ। तो गाइस ये 3-4 दिन पुराना वीडियो है मेरा। वैसे तो मैं इस रोड से लेट इवनिंग नहीं करता ट्रैवल, मतलब शायद पिछले 3-4 सालों में मैंने दूसरी या तीसरी बार इस रोड से लेट इवनिंग में ट्रैवल किया होगा। और जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, और जनरली नहीं 99.99 टाइम्स मैं अवॉइड करता हूँ कि कभी भी शाम को मैं इस रोड से ना जाऊँ। कारण उसका ये नहीं है कि दिन में आऊँगा तो जो जानवर हैं वो कम खतरनाक हो जाएगा या फिर रात में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। रात में आपको दिखता नहीं है और हमें भी नहीं दिखाता। मतलब मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पर था और मुझे उसको लेकर वहाँ से हरिद्वार जाना था, तो हम दोनों साथ ही थे और हमारे साथ एक और बाइक थी जिसमें और दो लोग थे, और उसके अलावा हमारे पीछे और भी ट्रैफिक था जो थोड़ा थोड़ा आ रहा था। लेकिन जब हम पहुँचे चिला तो हमारे आगे एक गाड़ी फॉर्चुनर जो लगभग हमें 1 किलोमीटर पहले दिख गई थी, करीब 1 किलोमीटर पहले, उसकी लाइटें जल रही थी पीछे वाली, मतलब रिवर्स की लाइट जल रही थी। तो हमें शक सा हुआ क्योंकि हम उससे पहले ना बात करते भी जा रहे थे कि इस रोड से लेट इवनिंग नहीं निकलना चाहिए और हम भी नहीं निकलते, ये सच है। बट उस दिन जाना था तो चले गए, और जब हमने देखी वो गाड़ी रिवर्स आ रही थी तो समझ तो गए थे हम कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और हाथी ही होगा तभी गाड़ी रुकेगी। अगर लेपर्ड वगैरह होता है तो कोई गाड़ी रुकती नहीं है, तो हाथी होगा वहाँ पे हमें अंदाजा था। जैसे हम गाड़ी के पास पहुँचे, हमने पूछा तो वो घबरा रखा था बिल्कुल, कह रहा कि मैंने एकदम ब्रेक मारे और बहुत पीछे से मेरी गाड़ी जो है खिसक के आगे आई है। जब मैंने इतनी स्पीड में था वो, जब उसने ब्रेक मारे तो थोड़ी सी स्किड हो गई थी गाड़ी उसकी, तो बता रहा था कि सामने ही हाथी। जब उसने थोड़ी गाड़ी की लाइट, मतलब गाड़ी आगे पीछे की, तो हमें दिख गया था हाथी। फिर करीब 40-45 मिनट तक हम लोग आगे पीछे ही होते रहे क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक और वहाँ इकट्ठा हो गया था जो और पीछे ऋषिकेश से आ रहा था, तो वहाँ बहुत गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई और कुछ लोग वहाँ पे हमने देखा ही वीडियो के अंदर किस तरीके से बाइक की रेस दे रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं। मेरे को लगता है उसकी वजह से और वो थोड़ा हाथी इरीटेट हो गया था। फिर करीब 1.5 किलोमीटर उसने हमें पीछे धकेला और लास्ट में हम जहाँ से चिला जंगल सफारी शुरू होती है उस जगह पर आ गए थे जहाँ पे सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, और फाइनली वहीं जाके हम थोड़ा सेफ फील कर रहे थे क्योंकि हाथी पीछे पीछे वहाँ तक आया था। फिर वहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत हल्ला मचाया तो उसी जगह से हाथी जो है अंदर जंगल की ओर निकल गया था। तो इसीलिए इस रोड से इवनिंग में या लेट इवनिंग में जब अंधेरा हो जाए तो आप नाइट ट्रैवल करो तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हो या ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहे हो। बाकी मजबूरी का नाम आप सबको पता है क्या होता है, और तब अगर जाते भी हो तो थोड़े से ट्रैफिक मूवमेंट को देख लिया करो, अगर साथ साथ काफ़ी गाड़ी चल रही है तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड मैंने भी एक चीज़ सोच लिया कि अगर इस तरीके से मैं कभी ट्रैवल करूँ भी तो मेरी आँख कान सब खुले होने चाहिए कि आसपास हाथी हो सकता है, क्योंकि उस दिन अगर हमारे आगे वो फॉर्चुनर ना होती तो हम तो निकलते चले जाते, और पता नहीं हमें शायद या तो हो सकता कि हम निकल ही जाते, या ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे दिखता हमें तो अचानक से ब्रेक मारते, वापस मोड़ते बाइक को या क्या करते पता नहीं, बट हमारे सामने थी वो गाड़ी, इस वजह से हमें एक सेफ गार्ड मिल गया था। तो कभी जाओ भी ना तो थोड़ा सा देख दाख के जाओ। सो इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। साइड हो जाए।